पाकिस्तान की नापाक साजिश के भंडाफोड़। पाकिस्तान ने राजस्थान के जासूसी और आतंकवादी नेटवर्क का एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है। सबसे नई बात यह है कि ये पाकिस्तानी जासूस हिंदू है। सूत्रों के अनुसार इसने 35 किलो RDX भारतीय सीमा में पहुंचाया है। इसके पास से एक डायरी मिली है जिसमें पाकिस्तान से आने वाले पैसों का भी हिसाब है। नापाक साजिश का भंडाफोड़, पकड़ में आया पाकिस्तानी हिंदू जासूस, पाक से लाया 35 किलो RDX, जयपुर से दिल्ली तक सनसनी। यह है पाकिस्तानी साजिश का नया मोहरा। पाकिस्तान ने इस बार हिंदू कार्ड खेला और हिंदू को जासूस बनाकर भारत भेजा। हैरानी तो यह है कि यह पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भारत आया और आतंकी खेल खेलने लगा। नाम नंदलाल महाराज, उम्र 26 साल, ठिकाना खिप्रो सानगढ़ पाकिस्तान, काम पाकिस्तान के लिए जासूसी। पाकिस्तानी जासूस नंदलाल के पीछे IB, रॉ और राजस्थान पुलिस काफी पहले से लगी हुई थी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक नंदलाल राजस्थान से लगती पाकिस्तानी सीमा की अलग अलग जगहों से ये करीब 35 किलो RDX भारत ला चुका है। नंदलाल के पास से एक डायरी भी बरामद हुई जिससे खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी कब कब उसके अकाउंट में पैसा डालती थी। उसके काम के बदले ISI उसके अकाउंट में 10 से 60-70 हजार रुपए डालती थी। जैसलमेर से गिरफ्तार इस जासूस के पास दो मोबाइल फोन और दर्जनों पाकिस्तानी सिम कार्ड बरामद हुए। खुफिया सूत्रों के मुताबिक नंदलाल रेगिस्तानी और सुनसान इलाके का फायदा उठाकर सैटेलाइट फोन से पाकिस्तानी हैंडलर्स को सैन्य ठिकानों की जानकारी और नक्शे भी भेजता था, जबकि भारतीय सुरक्षा एजेंसी इसके सैटेलाइट सिग्नल को ट्रेस करके ये ठिकाना बदल लेता था। हिंदू नाम, बोलचाल और पहनावे की वजह से सरहदी इलाकों में वो आसानी से घुल मिल गया था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने अपना पैतरा बदला है और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को जासूस बनाकर ट्रेंड करके यहाँ भेजना शुरू किया है। इसके पास से जो खुफिया दस्तावेज आर्मी के मूवमेंट और कॉम्बैट पोजीशन के फोटोग्राफ मिले हैं वो सिर्फ सेना के उच्च अधिकारियों के पास होते हैं। साथ ही 35 किलो RDX ये भारत की सीमा में ला चुका है। ऐसे में BSF के अधिकारियों, जवानों और कुछ सैन्य अधिकारियों पर भी शक की सुई जा रही है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक RDX के साथ नंदलाल की गिरफ्तारी के बाद उसके 6-7 साथी फरार हो गए। सुरक्षा एजेंसी उन्हें पकड़ने की कोशिश में लगी है। कई सुरक्षा अधिकारी भी रडार में हैं। सूत्रों के मुताबिक नंदलाल 4 महीने से जासूसी कर रहा था और इस दौरान वो करीब 72 लोगों के संपर्क में रहा। पाकिस्तान के इस नई साजिश से सुरक्षा एजेंसी भी हैरान है। पाकिस्तान हिंदुओं को लालच देकर जासूसी के दलदल में धकेल रहा है। ये बाकायदा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भारत आते हैं और भारत में रहकर आतंकी साजिश रचते हैं। नंदलाल भी इन्हीं में से एक है। वो पाकिस्तान में टेक्सटाइल शोरूम चलाता था। उसकी हर महीने की आमदनी करीब 1 लाख रुपए थी, लेकिन ISI के झांसे में फंसकर वो जासूस बन गया। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी बताया और कहा है कि इससे पाकिस्तान की नापाक साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। 17 तारीख को हमने पकड़ा था, कोई नंदू महाराज के नाम से है जो पिछले कई सालों से यहाँ बराबर आता जाता रहता है। आता तो वीजा लेकर के आता है, यहाँ आकर के वो लोगों से कुछ ऐसी सूचनाएं गैदर करता है पैसों का प्रलोभन दे करके, और वो सूचना वो पाकिस्तान को भेजता है। ISI का एक तरह से एजेंट के रूप में है, वो हमारे हाथ लग गया। पिछले लंबे समय से हम उसके पीछे लगे हुए थे, अब की बार वो जब आया तो हमने उसको बराबर ध्यान में रख करके उसे पकड़ा।